These are the four questions given on page number 105, which are related to the topic respiratory system in human beings. So first question is, what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? यानी कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स के कंपैरिजन में टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म्स को क्या बेनिफिट है जब वो ऑक्सीजन लेते हैं. बोथ द ऑर्गेनिज़म्स, चाहे एक्वेटिक हो चाहे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म हो, क्या यूज़ कर रहे हैं? रेस्पिरेशन के लिए. लेकिन जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको क्या बेनिफिट मिला है एज़ कम्पेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स? देखिए बेटा, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म्स हैं लैंड पर रह रहे हैं, एटमॉस्फेयर इज़ देयर, एंड इन एटमॉस्फेयर जो एयर प्रेजेंट है उसमें खूब सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है. जबकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स हैं वो वाटर में रहते हैं, और वाटर के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका जो अमाउंट है दैट इज़ लेस. तो इसलिए जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स को बार बार क्या करनी पड़ती है? ब्रीथिंग करनी पड़ती है. तो उनका ब्रीथिंग रेट फास्टर होता है. जबकि जो लैंड पर रह रहे हैं इजीली ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो और जो एयर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर. इसलिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म्स का जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या होता है? समवट लेस होता है. सो यू विल राइट द आंसर. एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन सराउंडिंग वाटर. सिंस एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर हैज़ फेयरली लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, द एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म हैव मच फास्टर रेट ऑफ ब्रीथिंग. Terrestrial organisms take oxygen from the oxygen-rich atmosphere through respiratory organs. Hence, they have much less breathing rate than the aquatic organisms. Now, the second question is, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? हमने इसे डिटेल में भी पढ़ा है कि जब ह्यूमन बीइंग्स फूड लेते हैं, फूड इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. अब ग्लूकोज जो है दैट एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल वेयर इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू पायरवेट, एंड दिस पायरवेट व्हेन एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया इट रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये कहाँ हुआ? ह्यूमन बीइंग की सेल्स में, यानी ये एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ. देन सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच वी स्टडीड वॉज एन एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जाम्पल इन यीस्ट अकर होता है. वहाँ पर क्या होगा? ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरविक एसिड, एंड दिस पायरविक एसिड विल गिव एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? द फर्स्ट वन वाज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एंड दिस इज टेकिंग प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर. एंड एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो कि यीस्ट सेल्स में हो रहा है, less amount of energy is produced. And third type of respiration which we studied that takes place in our muscle cells in the lack of oxygen. जो lack of oxygen जब हम physical exercise कर रहे होते हैं या हम run कर रहे होते हैं, then there less amount of oxygen is supplied to our body as we require. जितना हमें चाहिए उससे कम oxygen जो है वो हमें प्रोवाइड हो रही होती है, और इस सिचुएशन में जो हमारे मसल सेल्स हैं वो ऑक्सीजन की लैक में भी रेस्पिरेशन को फास्ट कर लेते हैं, और फिर उनका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज़ लैक्टिक एसिड. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. यू विल राइट, फर्स्ट ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू साइटोप्लाज्म. ग्लूकोज इज 6 कार्बन मोलिक्यूल. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरवेट विच इज़ 3 कार्बन मोलिक्यूल. Then anaerobic respiration, aerobic respiration and lack of oxygen. Anaerobic takes place in yeast. It gives ethanol and CO2. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen and it gives carbon dioxide and large energy. And lack of oxygen takes place in muscle cells and it produces lactic acid, and which causes muscle cramps, pain in our muscles. First you will write these three terms, three definitions of aerobic, anaerobic and lack of oxygen, and then you can draw this flow chart. Sometime the question comes in board exam also, that draw the flow chart showing three types of respiration. तो उस टाइम जब सिर्फ फ्लो चार्ट पूछा जाता है, देन यू विल ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट एंड दिस विल गिव यू फुल मार्क्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए हीमोग्लोबिन है. हीमोग्लोबिन रेड कलर पिगमेंट है. ऑक्सीजन को लेगा
और कहाँ से, लंग्स से लेगा और कहाँ लेकर जाएगा, हमारी उन सेल्स और टिश्यूज़ के पास जो कि डेफिशिएंट है ऑक्सीजन में, जहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लेस है। अभी हमने पढ़ा था कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है, इसलिए जो हमारा ब्लड का लिक्विड पार्ट है वो क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे टिश्यूज से ले लेता है लिक्विड फॉर्म में और फिर उसको कहाँ ले आता है, लंग्स के पास, जहाँ क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन हो जाएगी। सो दीज आर द टू वेज जिसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप सभी ने जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम लर्न कर लिया होगा। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, दिस विंड पाइप ट्रैकिया, इट फर्दर एंटर्स इंटू आर चेस्ट कैविटी एंड इट गेट डिवाइडेड इंटू टू ब्रोंकाइज। दीज ब्रोंकाइज फर्दर ब्रांचेस एंड दे ब्रांच गेट ब्रांच्ड इंटू ब्रोंकियोल्स एंड लेटर ऑन ब्रोंकियोल्स टर्मिनेट्स इंटू एल्वियोलाइज। सभी को ये याद होगा कि जो एल्वियोलाइज हैं वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये बहुत, दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन आर लंग्स, एंड वाई दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, सो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेज में टेक प्लेस इन द एल्वियोलाइज, ताकि वहाँ का एरिया बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो जाए। इसलिए क्या प्रेजेंट हैं लंग्स में, एल्वियोलाइज प्रेजेंट हैं, जो कि थिन वॉल्ड हैं और उनके पास खूब सारा फाइन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, सो दैट इट कैन फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो ह्यूमन बींग्स के लंग्स हैं दे आर स्पेशली डिज़ाइंड किस तरह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाइज, एंड वॉट दे विल डू, दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो दिस इज़ योर होमवर्क, यू विल राइट दीज फोर क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक एंड यू विल लर्न इट ऑल्सो।